सदर पुलिस थाना अंतर्गत पैसों के विवाद के चलते जान से मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गुरुवार को फिरियादी जुगनू वानखेड़े अपने मित्र राहुल शेगले के घर से वापस लौट रहा था, जिस दरमियान 4 युवक आए और फिरियादी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, जिससे फिरियादी डर गया और केपी ग्राउंड में रात के 12 बजे तक छिपा रहा, जिसके बाद उसने सदर पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई, जिस वक्त उसने घटना से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की। इस वक्त फिरियादी ने बताया कि फिरियादी की सास ने आरोपी निखिल को मध्यस्थी रखते हुए शाहू नाम के एक व्यक्ति को 3 साल पहले 50,000 रुपए उधार दी थी। निखिल ने 30,000 रुपए फिरियादी की सास को वापस दिए, लेकिन कुछ कारणों के चलते निखिल ने 20,000 रुपए फिरियादी को दिए, जो फिरियादी ने उसकी सास को वापस नहीं लौटाए। उसके बाद फिरियादी की सास ने निखिल को पैसे देने को कहा, तब निखिल ने बताया कि वो पैसे जुगनू को दिए हैं। इसके बाद से ही जुगनू और निखिल में वाद विवाद चल रहे थे और निखिल उससे इस बात का बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। इस बात का बदला निखिल ने लेने का गुरुवार को प्रयास किया, लेकिन वो उसमें विफल रहा। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। फिरियादी आहे जुगनू वानखेड़े रानार संजय गांधी नगर हुडकेश्वर आणि आरोपी आहेत निखिल आठवळे संकेत परडवार रोशन राऊत आणि बॉबी नावाचा। तर याच्यात फिरियादीच्या डिओ गाडीला आरोपींच्या स्विफ्ट डिझायर गाडीने 2 टक्कर मारून त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न आरोपींनी केलेला आहे। तर याच्यामध्ये पैसे देवाणघेवाणीचा वाद आहे आणि याच्यातला फिरियादी आणि 2 आरोपी यांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड पण आहे। याच्यामध्ये आतापर्यंत 4 आरोपी ताब्यात घेतले आहेत, तपासामध्ये अटक करण्याची प्रोसिजर त्यांची चालू आहे। प्राथमिक तपासात असं दिसत आहे की जी फिरियादीची सासू आहे तिने साहू नावाच्या माणसाला 50,000 निखिल जो आरोपी आहे त्याच्या मध्यस्थीने दिलेले होते, त्याच्यातले काही पैसे परत देण्यात आले, काही दिले नाही आणि ते जो जुगनू आहे याने हडप केल्याच्या कारणावरून यांचा वाद आहे। इस घटना में पुलिस ने निखिल आटूड, संकेत पुरंडवर, रोशन राउत और बॉबी को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे इस बारे में आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।